नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम हमारी संस्कृत कक्षा 9वीं का नवम पाठ हसिकता सेतु के प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ने जा रहे हैं, तथा साथ ही साथ उन्हें हम समझेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, कह बाल्ये विद्याम न अधीतवान, कौन बचपन में विद्या नहीं प्राप्त करता है? तो कौन नहीं प्राप्त करता है? तपोदत्त। ख, तपोदत्त कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त अस्ति। देखिए, तपोदत्त किस विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करता है? यहाँ पर हमने चैप्टर में जो पढ़ा है उसमें है तपश्चर्या अर्थात तपस्या में। ग, मकरालये कह शिलाभि सेतुम बबंध। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, किस शिला के द्वारा सेतु का निर्माण जो था वो किसके लिए किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? प्रभु राम के लिए किया गया था। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा राम। ग, मार्ग भ्रांत संध्याम कुत्र उपेति। प्रश्न है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, तो शाम को कहाँ लौटाए? तो उत्तर आ जाएगा ग्रहम। अंग, पुरुषः सिकता भी किम करोति, पुरुष जो था वो रेत से क्या कर रहा था? तो उत्तर आ जाएगा सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा था। तो उत्तर है सेतु निर्माणम प्रयासम। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न क्रमांक है, अनधीतः तपोदत्तः के गर्हितो अभवत, अर्थात तपोदत्त किसके द्वारा अपमानित किया जाता है? तो उत्तर आ जाएगा अनधीतः तपोदत्तः सर्वे कुटुंबीह मित्रेह जाति जनेश्च गर्हितो अभवत। देखिए, अर्थात तपोदत्त जो है वो सभी कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और जाति के लोगों के द्वारा अपमानित किया जाता है। ख, तपोदत्त केन प्रकारेण विद्याम वाप्तुम प्राप्तो अभवत। देखिए, तपोदत्त जो है वो किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता है? तो किस प्रकार से करता है? तपश्चर्या अर्थात तपोदत्त तपश्चर्या प्रकारेण विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। देखिए, तपस्या के द्वारा वो विद्या प्राप्त करने की कोशिश करता है। ग, तपोदत्त पुरुषस्य काम चेष्टा दृष्ट्वा अहसत, तपोदत्त पुरुष की किस बात को देखकर हंसने लगता है? तो तपोदत्त पुरुषस्य सिकता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वान दृष्ट्वा असत। देखिए, तपोदत्त जो रहता है वो पुरुष के रेती के द्वारा सेतु निर्माण प्रयास के कार्य को देखकर हंसने लगता है। प्रश्न क्रमांक, तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। देखिए, तप मात्र से विद्या प्राप्त का प्रयास किस प्रकार का था, किस प्रकार कहा गया था? तो तपो मात्रेण, उत्तर हमारा तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासः सिकता भीह सेतु निर्माण प्रयासमेव कथितः। देखिए, तप के द्वारा विद्या प्राप्त करना ठीक उसी प्रकार से कहा गया है जिस प्रकार सिर्फ मात्र रेत के द्वारा सेतु का निर्माण करने से है। ऐसा प्रयास व्यर्थक है, किसी भी काम का नहीं है। अंग, अंते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः, अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहा गया? उत्तर है, अंते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः, अर्थात अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गया। प्रश्न क्रमांक 3, भिन्न वर्गीय पदम चिन्हु, भिन्न वर्ग के जो पद है उन्हें चुनना है। पहला है अधिरोड़ुम गंतुम सेतुम और निर्मातुम, तो इसमें से आएगा सेतुम। क, निश्वास्य चिंतन चिंतय विस्मृस्य उपेत्य, आंसर आएगा चिंतय। ख, विश्वसीमी पश्यामि करिष्यामि और अभी लशामि, तो आंसर आएगा करिष्यामि। ग, तपोभिः दुर्बुद्धिः सिक्ताभिः कुटुम्भभिः, तो आंसर आएगा दुर्बुद्धिः। प्रश्न क्रमांक 4 का क है, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्में प्रयुक्तानि। देखिए, रेखांकित पद जो है वो किसमें प्रयुक्त हुए, किसके लिए प्रयुक्त किए गए थे वो बताना है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अलमलम तव श्रमेण। देखिए, इसमें तव जो शब्द दिया गया है वो किसके लिए किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? पुरुषाय के लिए किया गया था, इसीलिए मैंने उसमें उत्तर करके लिख दिया है पुरुषाय। दूसरा, न अहम सोपान मार्ग रट्टम धीरूढ़ विश्वसिमी, तो इसमें देखिए अहम जो है वो किसके लिए उपयोग किया गया था? पुरुषाय के लिए, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा पुरुषाय। तीसरा है, चिंतितम भवता न वा, चिंतितम भवता, भवता जो है वो किसके लिए उपयोग किया गया था? तो पुरुष के लिए, तो उसमें उत्तर आ जाएगा पुरुष। चौथा, गुरुग्रहम गत्वे विद्याभ्यासो मया करणीयः,
मया, देखिए गुरु के घर जाके विद्या अभ्यास करना यह मेरा क्या है, कर्तव्य है। तो मया जो था वो किसके लिए उपयोग किया गया था, तपो दत्त के लिए, तो उत्तर आ जाएगा तपो दत्ताय। पांचवा, भवदीभ उन्मीलतम मे नयन युग युग लम, अर्थात देखिए आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी। तो मेरा म मे जो है वो किसके लिए उपयोग किया गया था, तपो दत्त के लिए, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा तपो दत्ताय। प्रश्न क्रमांक 4 का ख है, अधोलिखितानि कथनानि कः कं प्रति कथयति। देखिए अधोलिखित जो पद है वो किसने किसके लिए कहे हैं इसमें बताना है। पहला है हाँ विधे कि मदम मया कृतम, देखिए हाँ ये विधि का किया है, इसमें मेरा क्या है, ये इस प्रकार का जो सेंटेंस था वो किसने कहा था, तपोदत्त ने कहा था। किसके लिए कहा था, विधिम के लिए, अर्थात विधि के लिए, भाग्य के लिए कहा था। दूसरा है भो महाशय कि मदम विधीयते, हे महाशय ये क्या हो रहा है, ये किसने कहा था, तपोदत्त ने किससे कहा था, पुरुषम से कहा था। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा था, रेती से पुल बनाने की कोशिश कर रहा था। तीसरा है भो तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि, किसने कहा था, पुरुष ने कहा था। किसके लिए कहा था, तपोदत्त के लिए कहा था। प्रश्न क्रमांक 4, सिकता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम, ये किसने कहा था, क्या रेती का पुल जो है वो जल प्रवाह से बच सकता है, वहां स्थापित रह सकता है जल के बहते हुए, तो किसने कहा था ये, तपोदत्त ने कहा था। किसके लिए कहा था, पुरुष के लिए कहा था। 5, अनाहम जाने को अस्ति भवान, किसने कहा था ये कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, किसने कहा था, तपोदत्त ने कहा था। किसके लिए कहा था, पुरुष के लिए कहा था। प्रश्न क्रमांक 5, स्थूल पदानि कृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कुछ पद दिए गए हैं जिन्हें यहाँ पे दर्शाया गया है कि इन पदों के स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला है तपोदत्त तपश्चर्या विद्याम वाप्तुम प्रवृत्ति प्रवृत्तो अस्ति। देखिए उसमें क्या कहा गया है कि तपोदत्त जो रहता है तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो तपश्चर्या में हमें परिवर्तन करना है, प्रश्न निर्माण करना है, तो यहाँ आ जाएगा तपोदत्त कया विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति है। ठीक है, ख तपोदत्त कुटुम्बिभिः मित्रे गर्हितः अभवत्, देखिए कौन तपोदत्त जो था वो कुटुम्बियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा अपमानित किया गया था, तो तपोदत्त की जगह आ जाएगा कौन, तो आ जाएगा कः कुटुम्बिः मित्रेः गर्हितः अभवत्। ग पुरुषः नद्यां सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते, देखिए पुरुष जो था वो नदी में रीति से सेतु निर्माण, पुल का निर्माण कर रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा नद्या की जगह पे कुत्र, पुरुषः कुत्र सिकताभिः सेतु निर्माण निर्मातुं प्रयतते। घ तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनेव वैदिश्यम वाप्तुम अभिलषति, देखिए अक्षर ज्ञानम की जगह पे आ जाएगा कम, तो यहाँ हो जाएगा तपोदत्तः कम निविनेव दुष्यम वाप्तुम अभिलषति। अंग तपोदत्त विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, देखिए तपोदत्त जो था विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में फिर से आ गया, तो विद्या अध्ययनाय की जगह आ जाएगा किमर्थम, तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा तपोदत्त किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत च गुरुग्रहम गत्वेव विद्याभ्यासः करणीयम्। तो देखिए यहाँ पे गुरुग्रहम दिया गया है, तो गुरुग्रहम की जगह आ जाएगा कुत्र, कुत्र गत्वेव विद्याभ्यासः करणीयम्, कहाँ जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए, तो गुरु के घर जाकर अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6, उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत, उदाहरण के अनुसार जो विग्रह पद दिया गया है उसको समस्त पद में जिस अनुसार लिखा है उसी प्रकार बाकी के जो अक्षर दिए गए हैं समास विग्रह उनको समस्त पद में लिखना है। हमारा पहला जो उदाहरण है वो दिया गया है संकल्पस्य सात्येन, तो इसका उत्तर आ जाएगा संकल्प सात्येन। दूसरा है अक्षराणाम ज्ञानम, तो उसका आ जाएगा अक्षर ज्ञानम। तीसरा है सिकताया सेतु हो, तो आंसर आ जाएगा सिकता सेतु हो। चौथा है पितुः चरणे हो, तो आंसर आ जाएगा पितृ चरणे हो। पांचवा है गुरोः ग्रहम, तो आंसर आ जाएगा गुरु ग्रहम। छठा है विद्याया अभ्यास हो, तो विद्या अभ्यास हो। प्रश्न क्रमांक 6 का अ है, उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रह करो। देखिए हमने ऊपर वाले जो पद थे उसमें समस्त पद लिखे थे, अब हमें समस्त पदों का विग्रह करना है। तो हमारा पहला पद है नयन युगलम, तो इसका उत्तर आ जाएगा नयनोह युगलम। दूसरा है जल प्रवाहे, तो उत्तर आ जाएगा जलस्य प्रवाहे। तीसरा है तपश्चर्या, तो उत्तर आ जाएगा तपसचर्या। चौथा है जलोच्छलन ध्वनि, तो उत्तर आ जाएगा जलस्य उच्छलनस्य ध्वनि। पांचवा है सेतु निर्माण प्रयास, तो उत्तर आ जाएगा सेतोः निर्माणस्य प्रयास।
प्रश्न क्रमांक 7 उदाहरण मनुस्मृत्य कोष्टकात् पदम आदाय नूतनम वाक्य द्वयम रचयत। देखिए कोष्टक में कुछ पद दिए गए हैं, अलम जो है वो दिया गया है योग तृतीय विभक्ति में, मैंने यहाँ उसे टाइप नहीं किया है, वो दिया गया है उसी अलम के साथ आपको तृतीय विभक्ति में भय और कोलाहल को लिखना है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो रहेगा जैसे अलम के साथ भयेन, दूसरा है अलम के साथ कोलाहलम। ख ग्रह और पर्वत दिया गया है, ये जो दिया गया है वो अनु के योग में दिया गया है, अनु दिया गया है, योग है द्वितीय विभक्ति, तो इसका उदाहरण आ जाएगा ग्रहम अनु वृक्ष अस्ति, दूसरा है पर्वत अनु नदीम अस्ति। ग में दिया गया है विना योग द्वितीय विभक्ति में दी गई है, विना के सहयोग में परिश्रम को लिखना है द्वितीय विभक्ति में, ठीक है। पहला है हमारा परिश्रमम विना विद्या प्राप्तुम न शक्यते, दूसरा है अभ्यासम विना कार्य समाप्ति कठिना अस्ति। उसी प्रकार घ में दिया गया है यावत योग है द्वितीय विभक्ति में लिखना है हमें, मासम यावत सह मातुल ग्रहे औसत, दूसरा है राजस्थाने वर्षम यावत वृष्टिम न अभवत।